हेलो गाइस, एम ओम प्रकाश एंड आज हम बात करेंगे लंबे लंबे छक्के कैसे लगा सकते हैं। तो हमारा जो टॉपिक है लंबे लंबे छक्के लगाने का, इसका जो सीक्रेट है वो रिवील करूंगा और क्या गलतियां नहीं करना वो भी मैं बताऊंगा, ठीक है। तो पहली टिप्स है, दो टिप है, ठीक है। दो टिप्स में, पहली टिप्स में बताता हूँ कि हमें क्या करना है। पहली चीज़ देखो गाइस, जैसे कि हम विकेट्स के पास आ गए, हम अपना गार्ड लेते हैं, जैसे लेग स्टिक का गार्ड हमने ले लिया, ठीक है। लेग स्टिक हमने ले लिया, अपना स्टांस लेंगे और स्टांस लेने के बाद जो हमारा प्रॉपर स्टांस होता है वो लेने का, तो जैसे बॉल रिलीज होता है तो उसमें क्या करते हैं काफ़ी सारे बंदे कि उनका स्टांस होता है, जैसे बॉल रिलीज होता है तो वो ऐसे डाउन हो जाते हैं, डाउन होते हैं तो वो छक्के नहीं लगा पाते, जैसे लगाते हैं तो उनका कनेक्ट नहीं हो पाता और ये ईयर में ही हो जाता है, फंस जाता है बॉल और ये बैट को फिनिश नहीं कर पाते। तो पहली चीज़ तो गलती हमारी शोल्डर है, ठीक है। हमें शोल्डर को अपने सुधारना है, जैसे कि बॉल आ रहा है, ठीक है, मैंने स्टांस लिया तो हमें शोल्डर को ना ऐसे बिल्कुल डाउन नहीं करना, ना ही ऐसे करना है, ठीक है। हमारी जो शोल्डर है बिल्कुल स्टेबल रखनी, बिल्कुल बीचों बीच रखनी है, जितना हमें मतलब हमारा वो लेग खुला हुआ उतना भी रखना है। जैसे बॉल आया, बॉल आने के बाद हमने बॉल आया और उसके बाद हमने ये शॉट मारा, शॉट मारने के बाद फिनिश हुआ, ठीक है। तो हमें ना फिनिश करना, और फिनिश कैसे करना है, जैसे बॉल आया पूरा तरीके से तेज में फिनिश करना है, ठीक है, और बॉल को देखते हुए फिनिश करना है। तो इस दूसरी टिप है फोकस के बारे में, ठीक है, क्योंकि वो बंदे काफ़ी सारे ऐसे बंदे होते हैं जो बैट स्विंग तो उनका तेज है बट ना उनका बॉल अच्छे से लग नहीं पाता, बैट पर कनेक्ट नहीं होता, रीजन क्या है, उनका फोकस नहीं है बॉल पर, ठीक है। जैसे वहाँ से बॉल रिलीज हो रहा है बस वहीं पे रिलीज कब हुआ उतना ही उनको फोकस है, और जैसे जहाँ पे डिप हो रही है वो उनका फोकस ही नहीं है वहाँ पे। तो हमें कहाँ तक का फोकस लेके चलना है, बॉलर के हाथ से बॉल जैसे रिलीज हुआ, रिलीज होने के बाद जैसे डिप होने वाली है, बॉल डिप होने वाली है तो वहाँ तक का फोकस रखना और वहाँ से कहाँ आ रही है उस चीज़ का भी फोकस रखना है। हो सकता है बॉल हमें गुड लेंथ ना मिले, शॉर्ट पिच मिल जाए, तो ऐसा तो नहीं है कि एकदम बॉलर के पास जहाँ पे बॉल डिप हुई वहाँ पहुँच जाओगे, ठीक है, ऐसा तो नहीं है। तो बॉल जैसे डिप हो के आपके पास आ रही है उसको एंड तक फोकस करो, और जैसी बॉल आ रही है, ठीक है, उसके बाद तेज हिट लगाओ और बैट को फिनिश करो। फिनिश करने का इट मीन्स कि आप जो बैट है ना ये फिनिश करो, ये बैट पे पूरा लेके जाओ। कोई बंदे होते हैं कि बैट इतना पर मार के इतना पर छोड़ देते हो, ऐसा क्या होता है कि शॉट में प्रॉपर जान नहीं लगती, ठीक है। तो हमें फिनिश करना है, और रही बात गलतियों की कि गलतियाँ क्या नहीं करना है जिससे आप आउट हो सकते हो, ठीक है। तो आ जाओ गाइस, बात करते हैं हम गलतियों के बारे में। जैसे यॉर्कर बॉल आता है, ठीक है, यॉर्कर बॉल आता है तो हम क्या करते हैं कि आया और हम इधर उधर घूमने लग जाते हैं और मारने के चक्कर में हम कैच दे देते हैं, ठीक है। तो ये हमें नहीं करना है। करना क्या है, जैसे यॉर्कर मतलब कहने का मतलब कि जो जैसा बॉल आता है उस हिसाब से खेलो, इट मीन्स कि अच्छी बॉल आ रही है उसकी इज्जत करो, ठीक है। अच्छी बॉल की इज्जत करोगे तभी आगे ग्रो करोगे, तभी अच्छा परफॉर्म करोगे, ठीक है। तो हमें अच्छी बॉल की इज्जत देनी है और अच्छे से परफॉर्म करने, और क्या नहीं करना है, जैसे काफ़ी सारे बंदों का क्या होता है कि ऑफ साइड का बॉल को लेग में मारने जाते हैं, वो तो उनका बैट स्विंग कितना भी तेज हो वो नहीं खेच पाएंगे लेग में। भाई तो मान के चलो कि ऑफ साइड में इस रेंज में बॉल आ रही है, ठीक है, इस रेंज में बॉल आ रही है और आप इस बॉल को सोच रहे हो कि मैं उधर मार दूँ, ठीक है, तो वो पॉसिबल नहीं है, वो नहीं मार पाओगे, ठीक है। तो इसके लिए करना क्या, इधर की बॉल है तो इधर ही ऐसे मारना है, ठीक है, यूरी बैट को फिनिश करना है पूरा प्रॉपर तरीके से फिनिश करना है। तो जिस साइड की बॉल है उस साइड ही हमें खेलना है, और जैसी बॉल आ रही है उस बॉल का सम्मान भी करना उसी तरह तरीके से, अच्छी बॉल का सम्मान करना सीखो तभी आप लंबा खेलोगे, तभी आप ज़्यादा रन बना पाओगे। और अच्छी बॉल का सम्मान नहीं करोगे ना, मतलब इट मीन्स की इज्जत नहीं दोगे ना, देन वो आउट हो जाओगे आप उसमें, ठीक है। तो अच्छी बॉल की इज्जत दो और तरीके से खेलो, सेंस से खेलो, ठीक है, तभी आप लंबा खेलोगे, तभी लंबे लंबे हिट लगा पाओगे। और गाइस अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट, और हाँ गाइस कमेंट्स में मुझे पार्ट्स बताना कि कौन से पार्ट्स आपको अच्छे लगे और क्या प्रॉब्लम आ रही है। हो सकता है कि इस वीडियो में आपका जो प्रॉब्लम है वो फिनिश ना हो पाया हो, तो आप अपने प्रॉब्लम्स को कमेंट्स में बताओ और मैं उस हिसाब से आपके लिए स्पेशल वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। सो दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे, बाय बाय।